वेल हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है ऐश्वर्या एंड आप देख रहे हैं ऐशूज कॉर्नर। गाइस मैंने अपना ये जो लुक है वो किस तरह से मैंने क्रिएट किया है आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइस मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ। अगर आप लोग टीनेजर हैं तो ये जो मेरी वीडियो है ऑफकोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती हूँ मेकअप करने के लिए। तो जो ये लुक है वो मैंने किस तरह से क्रिएट किया है जल्दी से आप लोग देख लीजिए। गाइज मैं अपने फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र है गुलाबरी कोल्ड क्रीम। इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। मैंने अच्छी तरीके से इस क्रीम को अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना है, तो मैंने निविया का ये लिप बाम अप्लाई कर लिया है। इसका भी रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको मैं थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाने दूंगी। उसके बाद मैं लैक्मे का सीसी क्रीम अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अपने उंगली पर जो सीसी क्रीम है वो ले लिया है ताकि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए मुझे अप्लाई करने में। डॉट डॉट करके मैंने इसे अपने फेस के अलग अलग हिस्सों पर अप्लाई कर लिया है। इसे उसके बाद मैं अपने उंगलियों की मदद से एंड अपने हाथ की मदद से ही इसे अच्छे तरीके से अपने स्किन के अंदर ब्लेंड कर लूँगी, कुछ इस तरह से। मेक श्योर कि आप जो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम या फाउंडेशन जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसे अपने नेक के एरिया पर भी लगा लें, अदरवाइज़ आपका जो फेस अलग कलर का दिखेगा एंड आपका नेक अलग कलर का। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से अपने स्किन में ब्लेंड कर लिया है, कुछ इस तरह से। नाउ अब मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमें SPF दे देता है। इस वजह से मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। 50 SPF ये मुझे दे देता है एंड इसका जो हॉनेस्ट रिव्यू है मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए आप लोगों को वीडियो देखने में। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया। नाउ मैं इसे वापस से रखने के बाद आईलाइनर ले रही हूँ। मैंने लैक्मे का आईलाइनर यूज़ किया है। मुझे लैक्मे का जो आईलाइनर है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस तरह से मैंने बस आउटर लाइन बना ली, उसके बाद मैंने उसको फिल कर लिया। बहुत ज़्यादा इजीली ये अप्लाई हो गया। मैं विंग्ड लाइनर ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने विंग्ड नहीं लगाया है। कुछ इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आंख पर भी इस लाइनर को अप्लाई कर लूँगी। आप लोग देख लें लाइनर लगाते वक्त एक चीज़ कि दोनों आँखों का जो लाइनर है वो बराबर ही लगना चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि एक आँख में थोड़ा मोटा लग जाता है एंड दूसरी आँख में थोड़ा सा पतला। तो इस वजह से दोनों को मिला करके एक बार देखने के बाद अप्लाई करें। ये कुछ इस तरह से मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है। सिर्फ लाइनर लगाने के बाद ही बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ गया। ये मैं NYBA का लिप क्रेयॉन यूज़ कर रही हूँ। ये पिंक कलर का लिप क्रेयॉन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अपनी बहुत सी वीडियोस में मैंने इसको यूज़ किया है। ये देखिए मेरा जो लुक है वो तैयार हो चुका है। बस मेरे जो बाल हैं उनको ठीक करना बाकी रह गया है, तो मैं अपने बालों को खोल करके अच्छे तरीके से कॉम कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे जो बाल हैं वो ऑलमोस्ट कॉम हो चुके हैं एंड जो मेरा लुक है वो भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा रेडी हो गया है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं, उसके बावजूद आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया जो लुक है वो तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये मेरा लुक है वो ऑफकोर्स टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आप डे मेकअप करना चाहते हैं तो भी आप इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं। एंड गाइज अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो गाइज ऑफकोर्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस को अपने सारे सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।